देखो कार्देको वेबसाइट के मुताबिक, इसके अलावा ज़िगविल वेबसाइट के मुताबिक 2022 से लेकर 2023 में मित्सुबिशी कंपनी अपनी 5 से 6 कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। हालांकि इनमें से एक कार रहेगी इक्लिप्स क्रॉस, जिसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा। इसके अलावा साथ ही में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मित्सुबिशी कंपनी आखिर इंडिया में कब कमबैक करने वाली है। मित्सुबिशी कंपनी ने इक्लिप्स क्रॉस इस कार को सबसे पहले 2017 में लॉन्च किया था। ये एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार है। इसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। जब ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगी तो इसका मुकाबला शायद क्रेटा या फिर सेल्टॉस के साथ हो सकता है, या फिर इसको टाटा हैरियर या फिर एमजी हेक्टर के सेगमेंट में उतारा जा सकता है। ये तो आने वाला समय बताएगा। यहाँ पर हम डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस कार की लेंथ है 4405 mm की, जो कि क्रेटा के मुकाबले 105 mm ज्यादा है। इसके अलावा इसकी विड्थ है 1805 mm की, जो कि क्रेटा के मुकाबले लगभग 15 mm ज्यादा है। इसके अलावा इसकी हाइट है 1685 mm की, जो कि क्रेटा के मुकाबले 50 mm ज्यादा है। तो यहाँ पर मित्सुबिशी इक्लिप्स क्रॉस की हाइट, लेंथ और विड्थ ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू हुंडई की क्रेटा। तो ये क्रेटा के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी दिखने वाली है रोड पर। इसके अलावा अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ग्लोबल मार्केट में इस कार के अंदर अलग अलग इंजन ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे कि इस कार के अंदर 3 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया जाता है और 1 डीजल इंजन के साथ इसको ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है। इस कार के अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है। इसके अलावा 2.0 लीटर और 2.4 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल इस कार के अंदर किया जाता है। जब इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा तो मित्सुबिशी कंपनी 1.5 लीटर पेट्रोल और 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इसको इंडियन मार्केट में उतार सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इसका 2.0 लीटर और 2.2 लीटर पेट्रोल इंजन लगभग टाटा हैरियर के बराबर ही पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। तो यहाँ पर टाटा हैरियर की पावर और मित्सुबिशी इक्लिप्स के दो पेट्रोल इंजन की पावर आपको लगभग सेम ही देखने को मिल जाएगी। इस कार को सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं। सेफ्टी के हिसाब से ये कार बहुत ज्यादा जानी जाती है और इसको ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है। इसके एक्सटीरियर लुक की अगर मैं बात करूं तो ये कार काफी ज्यादा प्रीमियम एसयूवी कार की तरह ही दिखती है। इसका फ्रंट फेशिया भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसका स्लोपिंग रूफ लाइन और रियर का फेशिया काफी जबरदस्त रखा हुआ है। इसके फ्रंट फेशिया में और रियर के फेशिया में काफी ज्यादा क्रोम का इस्तेमाल किया हुआ है। हालांकि मित्सुबिशी की बहुत सारी कारों के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्रोम देखने को मिल जाएगा एक्सटीरियर में, तो इस कार के अंदर भी आपको लगभग सेम ट्रीटमेंट मिलने वाला है। इसके फ्रंट फेशिया में आपको एलईडी डीआरएल मिलेगा, यानी बायफंक्शनल एलईडी डीआरएल का इस्तेमाल इसके बोनट के नीचे करा हुआ है। और इसका जो एलईडी हेडलाइट का सेटअप है वो थोड़ा सा अलग रखा हुआ है। इसके एयर डैम के अंदर आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलने वाला है। वही इसके फ्रंट ग्रिल्स के ऊपर आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिलने वाली है। इसके ग्रिल्स भी दिखने में थोड़े से अट्रैक्टिव है। इसके अंदर कंपनी ने डायमंड कट अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया हुआ है। बॉडी कलर के ORVMs इस कार के अंदर ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको रूफ रेल्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। वही इसके रियर के फीचर में आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एलईडी टेलर का सेटअप मिलने वाला है। इसके अलावा बड़े बम्पर्स इसके रियर में दिए जाते हैं और इसका डिजाइन काफी ज्यादा मस्त है। इसका एक्सटीरियर लुक तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन इसके इंटीरियर में काफी ज्यादा प्रीमियम फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। जैसे कि इस कार के अंदर सिंगल टोन और ड्यूल टोन कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कंपनी ने लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है सीट्स के ऊपर, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, आर्मरेस्ट और डैशबोर्ड के ऊपर। इसके सीट्स भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और इसके अंदर आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, जिसके तहत आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और इंटीरियर में बहुत जगह पर आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी डैशबोर्ड के ऊपर, इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और सेंट्रल कंसोल में, जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। इसके अलावा इस कार के अंदर अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं इंटीरियर में। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मित्सुबिशी कंपनी इंडिया में कब कमबैक करने वाली है। हालांकि मित्सुबिशी की जो लास्ट कार थी इंडिया में वो थी पजेरो स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया है कि मित्सुबिशी कंपनी किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंडिया में लगभग 2022 में कमबैक कर सकती है। और मित्सुबिशी कंपनी इंडियन मार्केट में कमबैक करती भी है तो इस कार को शायद इंडिया में लॉन्च कर सकती है, क्योंकि इसको ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा ही रहेगी, लाइक 12 या फिर 13 लाख रुपए से इसकी कीमत शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सट्रीम प्राइस। या फिर अगर इसको टाटा हैरियर के सेगमेंट में उतारा जाता है तो इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी। आपके हिसाब से इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।